राधे राधे। तो अभी मैं पूजा करके निपटी हूँ अपनी, और एक छोटी सी शॉर्ट बनाई है मैंने। आई होप आप लोगों ने देख ली होगी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके देख लीजिए इस गेटअप में इनके साथ, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया है, और थोड़ा सा लेट हो गया मुझे नहाने धोने में, 12 बज रहे हैं। तो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है, और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। ब्रेकफास्ट हुआ है बहुत हल्का फुल्का, आज बेटी की स्पेशल डिमांड पर बनाने जा रही हूँ। सा तैयारी मैंने करके रखी हुई है, थोड़ी बहुत रहती है, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे पहले मुझे व्लॉग बनाना ध्यान नहीं रहा। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और ये इधर मैंने, ये देखिए, ये मैंने दाल और चावल रात को भिगोए थे, तो उनको सुबह मैंने पीस करके फिर रख दिया था, थोड़ा सा इसमें क्या बोलते हैं ना, खमीर उठाने के लिए। और उसकी पहचान ये देखिए, इस पर मॉइस्चर भी आ रहा है, और इसमें आपको मैं काफ़ी पास से दिखाती हूँ, ये ना बुलबुले भी उठे हुए हैं इसमें। और अभी मैं इसको थोड़ा सा फेंट लेती हूँ चम्मच से, तब ये स्मूथ हो जाएगा। और तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कर लेती हूँ इस स्टफिंग के लिए तैयार आलू का मिश्रण। तो उसके लिए मैंने ऑयल को एज़ यूज़ुअल, जैसे आपको पता ही है मेरी सारी वीडियोस में मैं यही बोलती हूँ, क्या मैं बोलूँ फिर बार बार इसके लिए। तो मतलब तेल को पका लिया है, उसमें हिंग जीरा का तड़का लगा लिया है, प्याज डाल दी है। प्याज को लेकिन मैंने उसे सुनहरा होने तक भी नहीं भुना है, बस डाला, और मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड के लिए मैंने इसमें फ्राई किया है। और उसके बाद मैं मतलब क्योंकि मुझे रखना था थोड़ा कच्चेपन से पर, क्योंकि हमारे इधर जो डोसा हम लोग बाहर के से खाते हैं ना, तो उसमें प्याज वो कच्ची ही डालते हैं स्टफिंग में। तो मैंने थोड़ा सा लेकिन डीप फ्राई तो कर लिया, बिल्कुल कच्ची नहीं रखी। और उसके बाद मैं इसमें अपने सूखे जो मसाले हैं मतलब वो डाल दे रही हूँ। मसाले में मैंने उसका कुछ नहीं है कि अलग से कुछ स्पेशली डाला है, यहाँ पर मैंने सिर्फ सौंफ, धनिया और हल्दी ये डाल दी है, और फिर मिर्च डाल दी है, और नमक डाल दिया है इसी में, क्योंकि मुझे था कि कभी आलू के साथ में वो अच्छे से मिक्स ना हो पाए। तो अभी मैं डाल दूँगी इसमें आलू, और मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज डाली है और मसाले और आलू। तो यहाँ पर आलू मैंने देखे डाल दिए हैं, और बस आलू को मैंने फिर भूनने के बाद ना बहुत अच्छे से इसमें एक बारीक सा सी डो टाइप तैयार कर ली है, क्योंकि जब हम उसमें स्टफिंग करेंगे तो वो फिर मोटा मोटा बाहर निकल करके गिरता है इसलिए। और यहाँ पर अब मैंने तवा रख लिया है, और तवे पर गर्म तेज आँच पर रखा है, और गर्म होने पर मैंने उस पर मारा है पानी का छींटा, और फिर उसको पोंछ दिया है। इससे क्या होगा, मेरा जो डोसा है वो चिपकेगा नहीं, और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप लोग अपनी उसमें करके देखिएगा। और जो करते हैं उनको नहीं कह रही हूँ, अगर जिनको हेल्प मिल सकती है उनको मैं बोल रही हूँ, ये मत सोचिएगा मैं अपने आप को बहुत अकलपन दिखा रही हूँ, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो मुझे आता है, क्योंकि मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ तो उसमें मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैटर्न डाल लिया है, और उसको हल्के हाथ से घुमा घुमा करके मैंने ये, क्योंकि मेरा पहला ही था तो मुझे डर था कि चिपक ना जाए, तो मैंने छोटा सा ही उसे बनाया, बहुत ज़्यादा फैलाया नहीं है। और फिर जब वो मुझे लगा कि सिकने लगा है नीचे की साइड से, तब मैंने थोड़ा सा उस पर देसी घी भी लगा लिया ऊपर की साइड, जिससे कि थोड़ा टेस्ट सा आ जाए। और बस स्टफिंग मैंने उसमें रख दी है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको फोल्ड कर दिया है, तो मेरा डोसा बढ़िया वाला बन करके तैयार हो गया है। और मैं ना अपने बच्चों से रिव्यू दिलवाना मैं भूल गई हूँ, और वैसे इस बार तो हस्बैंड से भी मैंने बोला कि मुझे ना ठीक नहीं सुनना है, अच्छा या बुरा, ये इन दो वर्ड्स में से एक सुनना है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा बना है। तो अभी मैंने सबको खिला दिया है, बच्चों को, उनके पापा को, बना करके डोसा, और सभी ने अच्छा बताया है, थैंक्स टू गॉड। पता है जब मैं कुछ ऐसा बनाती हूँ पहले मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि खैर चलो छोड़ो, कि मुझे लगता है पता नहीं पसंद आए ना आए, हालांकि बच्चों को मेरा सब कुछ पसंद आता है, और एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है, मैं बताती हूँ क्या हुआ। मैंने अकलबंदी दिखाई, मैंने भिगा कर रखे हुए थे ये दाल चावल, जिसमें से मैंने ये
जब पीसने लगी तो मुझे लगा एक बार में जो पीसे वो बहुत हो जाएंगे और मेरे लिए बचा ही नहीं। तो फिर ना मैं जो सूखे आलू का जो स्टफिंग के लिए बना हुआ था वो आलू के साथ, आलू मतलब मैं खा रही हूँ काफ़ी सारी दही के साथ, क्योंकि दही मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा, पेट के लिए भी अच्छी होती है और मुझे पसंद भी है। तो मेरी अकलबंदी ना मुझे ही दुख दे गई। तो खैर कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है हम लेडीज़ के साथ में। और पता है अपने लिए स्पेशली बनाने का मैंने मन ही नहीं करता है। हालांकि वैसे अभी मेरी जो इच्छा है ना वो खाने की है भी नहीं, लेकिन बस ऐसे ही मैं, मुझे लगा कि हाँ मैं अकलबंदी ना दिखाती तो शायद मैं खा ही लेती, क्योंकि मेरा ना पेट काफ़ी ऐसे फुला फुला सा हो रहा है। सुबह से मैंने पता नहीं कितना तो पानी पी लिया और आज ठंडा पानी पीने की इच्छा हो रही है। हालांकि ठंडा पानी तो मैंने एक ही दफ़ा पिया है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, रूह अफ़ज़ा होता ना उसका पानी पी रही हूँ मैं बार बार, बहुत इच्छा हो रही है। तो चलो खैर सही है कि बचानी, वो शायद इन्होंने कराया वो मुझे नुकसान दे जाता, पेट बहुत अफरा अफरा सा हो रहा है। तो मैं वो भी मैं थोड़े से ले रही हूँ आलू भी, बस मैं दही ज़्यादा खा रही हूँ। खैर ये किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, ये मेरी ही वो है, गलती है, तो कोई बात नहीं। तो खा पी करके थोड़ी देर आराम से बैठ गई थी मैं, और जस्ट अभी मैंने की है अपनी वीडियो अपलोड, और अभी टाइम हो रहा है 3:40, और आज ना मैंने अपनी वीडियो 3:30 बजे अपलोड कर दी है। अपलोड तो खैर मैंने पहले की हुई थी, मैंने प्राइवेट कर रखी थी, सिर्फ अब उसे अनलिस्टेड करके ना मैं अपलोड करके छोड़ देती हूँ कभी कभी वीडियोज़। कल क्योंकि मेरी वीडियो मैं डाल नहीं पाई, मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर आज मैंने थोड़ा जल्दी ही वीडियो अपलोड कर दी है। लेकिन मुझे नहीं पता कैसा रिस्पॉन्स आएगा कैसा नहीं, क्योंकि मेरा एक टाइम है, मैं 6 से 8 के बीच में मोस्टली करती हूँ अपनी, शाम में कभी ऊपर नीचे हो जाता, लेकिन आज तो मैंने बहुत जल्दी कर दी है, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है। बाकी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारी वीडियो को पहले ही ना लाइक कर दीजिए, किया कीजिए, टंग जो है ना मेरी स्लिप हो रही है। तो चलिए अभी मैंने इसे रख देती हूँ, कभी मैं कुछ और गलत बोल दूँ। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी मशीन लगाने के लिए। सुबह में मैंने मशीन लगाई नहीं थी, क्योंकि बाहर अगर सूखा हो ना तो कपड़े धूप सुबह से ही बहुत होती है। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो उनका फ़ोन बज रहा था, वो थके हुए हैं काफ़ी, बाहर से आए हैं अभी, तो मैं बेटे को बोल रही थी कि वो देख ले। तो यहाँ पर मैं अपनी मशीन लगाने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि शाम में थोड़ा धूप कम हो जाती है, छाया जाती है, तो इसलिए मैं इस टाइम धूप लगा मशीन लगा रही हूँ। अभी अंदर व्लॉग चलाया हुआ है, 4:15 हो रहे हैं, 4:15। मैं इधर लगा दी हूँ अपनी मशीन, पानी भरने छोड़ दिया, कपड़े भी डाल दिए हैं इसमें, और थोड़ी सी बाथरूम क्या है थोड़ी सी ऐसी है, सब प्लीज़ करके जगह लेके 4:15 बजे हूँ मैं। तो व्लॉग आई थिंक बना तो छोटा ही है, लेकिन मैं सोच रही हूँ उसको यहीं पर ना मैं एंड कर देती हूँ। तो मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो भी नहीं है। ओके बाय।